हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू अपडेट्स। स्टूडेंट, बिहार राज्य सरकार द्वारा ITI इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण लेने हेतु एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ये नोटिफिकेशन BCECEB की वेबसाइट पे उपलब्ध है। बिहार राज्य सरकार के ITI इंस्टीट्यूट से प्रशिक्षण लेने से आपको दो प्रॉफिट है। पहला प्रॉफिट ये कि आपको एडमिशन फ़ी और स्टडिंग फ़ी बहुत कम है या नेगलिजिबल है। दूसरा ये कि बिहार गवर्नमेंट जॉब में जो भी ITI के बेसिस पे निकलेगा उसमें आपको रिजर्वेशन अथवा आरक्षण। सो फ्रेंड, गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स एंड एडमिशन फॉर्म के नोटिफिकेशन के जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, BCECE के वेबसाइट खोलने के लिए आप अपने गूगल पे BCECE टाइप करें। जैसे ही आप उसको ओपन कीजिएगा तो इस प्रकार का पेज खुलेगा। इस पेज में फर्स्ट जो लिंक दिया हुआ है BCECEB का, उसको ओपन करें। जैसे आप उसको ओपन कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। इस नीचे आने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस या पेज खुलेगा। इस पेज में आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट ITI कॉम्पिटेटिव एडमिशन टेस्ट 2020। उसके जस्ट नीचे डिटेल्स रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑनलाइन अप्लीकेशन ऑफ ITI 2020 दिया हुआ है। इस पर क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद आपको PDF डाउनलोड हो जाएगा। उस PDF को ओपन करें। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे PDF खुल गया। इस PDF में आपको सारी जानकारियाँ दी हुई है। हेलो स्टूडेंट, ये एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट होंगे। इसे ऑनलाइन सबमिट करने के लिए आपको BCECE.bihar.government.in पे जाना होगा। जैसे ही आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको एक ईमेल ID और मोबाइल नंबर रखना होगा, जिससे आपका अकाउंट एक्टिव या लॉगिन करने में हेल्पफुल होगा। उसके बाद स्टेप 2 में आपका पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा या एड्रेस मांगा जाएगा, उसको आप फिल करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश दोनों में अपलोड करने होंगे और फ़ोटो का क्वालिटी हाई होना चाहिए, जिस पे आपका नेम और डेट ऑफ फ़ोटो भी लिखा होना चाहिए। स्टेप 4 में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा और स्टेप 5 में आप जितने भी डिटेल सबमिट किए हैं फॉर्म में, उसका टोटल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले या स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा और उसको आप एक एक करके चेक कर लें कि उसमें कुछ गलती भरा हुआ ना हो। उसके बाद फाइनल सबमिट करने से पहले आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट के दो, आप पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं और ऑफलाइन बैंक के चलान थ्रू भी कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कितना इसका एग्जामिनेशन फ़ी है। यहाँ पे जनरल और OBC के लिए और EVC के लिए 750 रुपया और SC ST के लिए 100 रुपया और डिक्की कोटा के लिए 430 रुपया। आप फाइनल सबमिट करने के बाद आप अपना प्रिंट आउट निकाल लें, पार्ट ए और पार्ट बी, उसको सुरक्षित रख लें क्योंकि यही आपको काउंसलिंग के वक्त ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद यहाँ हम लोग नीचे देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट क्या है। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट 24/3/2020 है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट 26/4/2020। लास्ट डेट पेमेंट थ्रू द चलान आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 28/4/2020 है और लास्ट डेट जो क्रेडिट कार्ड से 28 है। ऑनलाइन एडिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपको कोई फॉर्म भरने में कोई गलत हो गया हुआ तो उसको भी एडिट करने का डेट दिया हुआ है 29/4/2020 से 2/5/2020। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे इसका एज लिमिट क्या है। एज लिमिट इसका ये है कि न्यूनतम 14 वर्ष होना चाहिए, किंतु मैकेनिक मोटर व्हीकल या मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए उक्त तिथि को न्यूनतम वर्ष 17 वर्ष आवश्यक है, यानी 1 अगस्त 2020 तक 17 वर्ष होना दो ब्रांच के लिए जरूरी है, किंतु सभी ब्रांच अदर ब्रांच के लिए न्यूनतम 14 वर्ष ही है। अपूर्ण इनकम्प्लीट फॉर्म भरा हुआ एक्सेप्टेबल नहीं है।